टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द रेस्ट पार्ट ऑफ पोएट्री लेसन फर्स्ट द फाउंटेन रिटन बाय जेम्स रसल नॉवेल फॉर क्लास 10th बिकॉज इन द लास्ट वीडियो आई हैड डिस्क्राइब सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पोएट्री सो नाउ लेट स्टार्ट अगेन द रेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ द चैप्टर द फाउंटेन Great of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. Great of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. कहता है, poet कहता है कि great of all weathers, यानी fountain जो है great, मग्न रहता है, of all weathers, हर मौसम में, यानी कहने का तात्पर्य कि मनुष्य को भी हमेशा खुशहाल रहना चाहिए और स्टिल सीमिंग बेस्ट हमेशा वो सीम माने महसूस करता है बेस्ट माने अच्छाइयों को और हमेशा वो अपनी अच्छाइयों के प्रति ही ध्यान देता है जिस तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से फवारा जो है हर मौसम में खुशहाल रहता है और हमेशा अपनी अच्छाई को ध्यान देता है वैसे मानव को भी मनुष्य को भी अपने जीवन में अपनी अच्छाइयों को ही ध्यान देना चाहिए और बुराइयों को इग्नोर करना चाहिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाइजेस्ट कहा चाहे ऊपर की ओर जाना हो या नीचे आना हो कहने का मतलब जीवन में आप चाहे बुलंदियों को छू रहे हों या आपके जीवन में समस्याएँ आ रही हों अब मोशन डाइजेस्ट चाहे वो गति कर रहा हो या चाहे आराम कर रहा हो आप चाहे खाली बैठे हो चाहे कोई कार्य करने में व्यस्त हो करा कभी हमें उससे जो है परेशान होना नहीं चाहिए फोला अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम कितनी अच्छी लाइन है कहता है फुल ऑफ नेचर स्वभाव से परिपूर्ण होता है अपने स्वभाव से क्या होता है वो परिपूर्ण होता है नथिंग कैन टेम वो कभी किसी का टेम मीन्स होता है भैया पालतू है ना यानी एक तरह से कहे सेलेबरी मतलब स्लेव मतलब दास वो कभी किसी का दास कभी किसी का पालतू नहीं होता है किसी की इच्छाओं का दास नहीं होता है चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम और हर समय उसमें देखो परिवर्तन आता रहता है इवर द सेम फिर भी वो हमेशा वही फवारा दिखाई देता है सीजलेस एस स्प्रिंग सीजलेस कॉन्टेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट सीज मतलब होता है बंद होना सीजलेस माने निरंतर एस स्प्रिंग मतलब होता है ऊपर की ओर उठना यानी मूविंग अपवर्ड और सीजलेस कॉन्टेंट माने निरंतर कॉन्टेंट माने स्थिर रहना कहा चाहे उसे लगातार ऊपर जाना हो या लगातार एक जगह पर स्थिर रहना हो डार्कनेस आर सनशाइन अंधकार हो या प्रकार हो प्रकाश हो डाई एलिमेंट कहा मौलिक तत्व की भांति वो कभी टूटता यानी बिखरता नहीं है कहने का तात्पर्य कि मानव जीवन में चाहे निरंतर आपको संघर्ष करते रहना हो चाहे एक जगह पर अडिग रहना हो चाहे आपके जीवन में अंधकार हो या प्रकाश हो आप में भी वही समानता होनी चाहिए यानी कहने का मतलब दुख हो या सुख हो हमें अपने संतुलन को बनाए रखना चाहिए ये प्रेरणा देता है कवि इस कविता के माध्यम से एक निर्जीव वस्तु की तुलना हम जैसे सजीव लोगों के जीवन से करता है कवि कहता है लास्ट में ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी वो अपनी बात कर रहा है ग्लोरियस फाउंटेन शानदार फवारा लेट माई हार्ट बी मेरे भी हृदय को प्रेरित कर देता है क्या होने के लिए फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट तरोताजा परिवर्तनशील और नियंत्रित होने के लिए अपवर्ड लाइक दे अपनी भांति अब यह कभी अपनी बात कर रहा है कहा शानदार फवारा जिसमें इतनी क्वालिटीज हैं कि मेरा भी हृदय अब उस फवारे की तरह हर हमेशा तरोताज़ा परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन लाना कांस्टेंट समय आने पर निरंतरता होना
कहा इस तरह का होने के लिए वो हमें भी प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है एक फाउंटेन के माध्यम से मानव जीवन के तमाम उन समस्याओं का, तमाम अच्छाइयों का, तमाम गुणों क्वालिटीज का यहाँ कंपैरिजन किया है और हमें इंस्पायर करता है कि वी शुड आल्सो इंस्पायर्स टू फाउंटेन इन आवर लाइफ इन व्हिच वी कंफर्टेबली प्रोग्रेस आर डेवलप आवर लिवलीहुड विथ हैप्पीनेस एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। तो ये था फाउंटेन चैप्टर का बचा हुआ एक्सप्लेनेशन था जो हमने आपको बताया। इसमें से आप जो है पहला वाला ग्लेड ऑफ अल्बेडस, ग्लोरियस फाउंटेन और फुल ऑफ ए नेचर, इन तीनों स्टेंजाज का कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है उसके बारे में निश्चित है जो भी समस्याएं होंगी आपको बताई जाएंगी। आज इसी के साथ धन्यवाद।